साथियों देखिए, हर व्यक्ति को ईश्वर ने किसी न किसी विशेष गुण के साथ इस दुनिया में भेजता है। इसको मेडिकल के क्षेत्र में कहते हैं इंडिविजुअलिटी, यानी हर पुरुष के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक खास गुण होता है, बस उस गुण को तराशने की जरूरत होती है। जब हम उसके उस कैरेक्टर को तराश करके और उसे जीवन में उतारते हैं, तो वही व्यक्ति जो सामान्य से विशेष बन जाता है। ऐसे ही मैं आज अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था और एक देखिए, ऐसे इनको क्या कहेंगे, आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इनकी उम्र लगभग कितनी होगी। मैं भी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हुआ, लेकिन जब इनके अंदर प्रतिभा को देखा, जब इन्होंने जिसे बोला, तब मैं समझ गया कि निश्चित रूप से ये बंदा कोई विचित्र और विशेष व्यक्ति। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? सुनील राजभर। बाबू जो है, कहाँ घर है तुम्हारा? बरामदपुर। बरामदपुर बेटा कहाँ पड़ता है? चंडेसर के बगल में, आजमगढ़ जिले में, जहानागंज ब्लॉक में चंडेसर है, चंडेसर के बगल में बरामदपुर ना बेटा। हाँ। बरामदपुर गांव का रहने वाला लड़का है। इनकी उम्र कितना है बाबू? 25 साल की उम्र है। विलक्षण प्रतिभा के धनी है, और लेकिन इनके अंदर जो निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति जो है, फूट फूट के भरी है। इनके प्रतिभा को मैं देखा, और जब मैं इनसे कहा कि बेटा तुम चलोगे मेरे साथ, तो इन्होंने एक ही बात कही कि सर हम माँ बाप को छोड़ के नहीं जा सकते, हम माँ बाप की सेवा करेंगे और कहीं नहीं जा सकते, मुझे कुछ भी करेंगे लेकिन हम ऐसी चीज नहीं करेंगे हम अपने माँ बाप को छोड़ें। सोचिए कितनी बड़ी सोच है इस बच्चे के अंदर, और ये ईश्वर में इतना प्रेम रखते हैं कि 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, और बगल में मंदिर है, कौन सा मंदिर है बेटा? भोले जी का मंदिर है। क्या क्या तुम्हारी दिनचर्या है जरा बताओ आप, सुबह सुबह उठते हो तो कैसे कैसे क्या करते हो इस चीज को बताओ। सुबह सुबह उठते हैं, अपना तावली और गमछा ब्रश लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं, मंदिर का सफाई करते हैं, धोते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, वहाँ से 5:30 बजे तक हम आ जाते हैं। 5:30 बजे आप सुबह घर आ जाते हैं? हाँ, घर आने के बाद घर पे भी पूजा पाठ चलता है, फिर उसके बाद हम अपनी दुकान पे आते हैं। अच्छा, देखिए ये गरीबी से बहुत मतलब त्रस्त हैं, और इनके मतलब आर्थिक रूप से कोई सहयोग विशेष करने वाला नहीं है, तो ये छोटी मोटी दुकान घर पे ही कर रखे हैं, और ये उसी पैसे से अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ बाबू, कि जैसे तुमको पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, ईश्वर हाँ। में तुम्हें बहुत विश्वास है, हाँ। अच्छा जैसे मान लो तुम्हें पूजा पाठ करने को दिया जाए, तो तुम जो है मतलब भगवान की सेवा कर सकते हो हंसी खुशी से? हंसी खुशी से। और क्या कर सकते हो? पूजा पाठ भी कर सकते हैं, लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। वैसे तो हम एक हाथ और एक पैर से विकलांग हैं, लेकिन सेवा कर भी सकते हैं। अच्छा, इतना तो हमारा धर्म बनता है। अच्छा, सेवा में कैसे करोगे, मतलब लोगों की तुम्हारे पास तो कैसे सेवा करोगे? मान लो तुम्हारा शरीर भी छोटा है, पैसे से भी छोटे हो, फिर कैसे करोगे तुम सेवा करो, कैसे करो? ऐसी बात नहीं है कि पैसे से ही सेवा होती है, हाँ। आदमी अगर कहीं गिरा पड़ा है तो उसको उठा के उसको कुछ मदद कर दो, यही सेवा होती है। यही सेवा होती है, धन दौलत तो आता ही जाता रहता है। मैंने सेवा का कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है, नहीं। सेवा किसी की भी की जा सकती है, हाँ। अच्छा जैसे मान लो बेटा, तुम्हें इतनी छोटे उम्र में इस तरह की भाव जो है जैसे आते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम जैसे कुछ और जैसे बड़ी चीज कर ले तब लोगों की सेवा करें, इस तरह भाव लगता है? लेकिन हम पहले अपने खुद बड़े हो जाए, फिर उसके बाद दूसरों की सेवा ऑटोमेटिक सीढ़ी बनती जाएगी। अच्छा, कैसे बड़ों बनोगे? छोटे से ही बड़े होते हैं ना, पहले जैसे सर आपका साथ मिला है, ऐसे ऐसे मिलते जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तुम्हारा और किस किस चीज में रुचि है, तुम क्या चाहते हो कि जैसे हम, चलो ये तो जान गए तुम ईश्वर में आस्था रखते हो, अपने भारतीय संस्कृति में माँ बाप के प्रति तुम्हारा प्रेम है, तुमको लोगों की सेवा करने का मतलब बहुत जुनून रहता है कि हम कुछ भी देखेंगे, कहीं अगर दिखेगा तो हम सेवा कर लेंगे, इसके अलावा बेटा तुम और जैसे क्या चाहते हो? तुम पढ़ाई कहाँ तक की हो? पढ़ाई हाई स्कूल तक की है। हाई स्कूल कब किए थे? मोदी जी का इलेक्शन था, मोदी जी का पहले वाला, हाँ। पहला इलेक्शन इन्हें 2000
14 में 2014 में ये श्रीमान जी हाई स्कूल कर चुके हैं। इनको आप लोग देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं है, 25 साल के युवा हैं और ये 2014 में हाई स्कूल कर लिए हैं। पारिवारिक मजबूरियां थी और गरीबी का वो था कि ये माँ बाप की सेवा के लिए इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा, अभी भी बाबू पढ़ने का मन करता नहीं है? अब समाज सेवा करेंगे। अच्छा, मान लो जैसे तुम्हें किसी बड़े चीज के लिए तुम्हें घर से मतलब ले जाया जाए या कहीं ऐसे जगह पे तुम्हारी सेवा ली जाए, तो तुम कैसे अपना एडजस्टमेंट करोगे? हम तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। अच्छा, तैयार हो जाओगे? हाँ। अच्छा, और फिर माँ बाप के लिए? सर, हमेशा के लिए नहीं, जैसे एक दो दिन खातिर चले जाएंगे। एक दो दिन के लिए जा सकते हैं या अगर 10 दिन 20 दिन आना रहेगा तो भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप को छोड़ोगे नहीं? नहीं, माँ बाप के देखभाल करते। हाँ, जब तुम उस स्थिति में आ जाओगे तो वहाँ माँ बाप को भी ले आ सकते हो। हाँ। जहाँ उनकी सेवा होती रहे। हाँ। यानी माँ बाप जब तक जिंदा हैं तब तक आप जो है माँ बाप के बाद ही दुनिया का तो और कोई काम है। हाँ। यही ना, सबसे बड़े हमारे भगवान माँ बाप ही हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, कोई बेटा कुछ गाना उना गाते हो? कुछ भी, कोई अलग चीज जो तुम्हारे? अच्छा, संगीत में नहीं, लिखते उखते हो कुछ? लिखते नहीं? अच्छा, ठीक है। अभी अभी तुम्हारा जैसे अभी जैसे मूड जैसे क्या करता अंदर कभी कभी, जैसे तुम बड़े हो गए, 25 साल के हो गए हो, तो अभी कभी कभी तुम्हारे दिमाग में जैसे क्या आता है कि हम क्या करें? जैसे हमारे दिमाग में भी यही आता है कि हम अभी घर से कहीं दूर जाएं और अच्छी तरह लोग की सेवा करें, हमारा नाम हो। अच्छा, आपका नाम हो। यही चाहते हो कि हम ऐसा कोई काम करें कि मेरा नाम हो? ठीक है, तो काम का कोई रास्ता होगा? चलो, तो भाई सेवा हो गया तो सेवा से ही तो सब कुछ होगा, नहीं साथ में साथ कुछ काम भी करना पड़ेगा ना। हाँ। तो किस चीज में तुम्हारी रुचि है? पूजा पाठ। अच्छा, यानी भगवान की भक्ति के साथ साथ ही आप जुड़े रखना चाहते हो अपने आप? हमारा मुख्य मुख्य यही है कि हम पूजा पाठ करें, हमारा नाम हो और हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग हों, हमारे साथ जनता हो। अच्छा, मतलब तुम्हारे साथ लोग तुम्हारी भावना को समझे ना। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, तुम्हारे इस मतलब अंदर की जो इतनी बढ़िया सोच है, इतना तुम्हारे अंदर ईश्वर ने इतनी चीज दी है कि तुम माँ बाप समाज के लिए और सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से हमसे जितना बन पाएगा हम यही कोशिश करेंगे कि तुमको इस सेवा के साथ साथ ही अपने परिवार से जुड़ाव रखते हुए कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि तुम्हारा जो है जीवन यापन भी हो और तुम्हारी इच्छा जो ईश्वर को तुम चाहते हो कि हम खूब सब सेवा कर लें, लोग मेरे साथ हों। और अच्छा, तुमको ये भी लगता है कि जैसे हम लोगों को बढ़िया बढ़िया बातें बताएं? हाँ। समझाएं? हाँ। है ना? हाँ। जब भाई पूजा पाठ करोगे तो जो पढ़ोगे तो अच्छी अच्छी चीजें होंगी, समाज को बताओ। हमको जैसे ऐसे लगता है कि अगर हमारे यहाँ 10-20 लोग आए, हम बैठे और उन लोगों को बताएं अच्छी अच्छी बातें, तो एक कोई अच्छी बात मुझे बताओ, कोई ऐसी बात जैसे मान लो तुम मंच पे हो। अभी लिखे तो नहीं है, जिस दिन लिखेंगे उस दिन से बताना शुरू। तो अब लिखना शुरू करो तुम, ठीक। सुनो बेटा, अपनी चीज जो तुम्हारे अंदर है उसे लिखना शुरू करो और हमें बताओगे, फोन से बताओगे, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो बताओगे, और धीरे धीरे बताओगे तो तुम्हारे अंदर एक जो है एक तुम्हारी गाड़ी रथ चलने लगेगा और धीरे धीरे तुम अपने अंदर सुधार लाने लगोगे। तो जो गुण है बेटा उसको निखारने को दरवाज से, ठीक है, अब लिख के मुझे बताओगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, मेरी बहुत बहुत शुभकामना तुम्हारे साथ है और भगवान तुम्हें ऐसे ही प्रेम से और समाज सेवा के प्रति समर्पित रखें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। ओके।